दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपका खैरियत होगा। भाई लव बर्ड की दुनिया में हम आ गए, मुख्तलिफ म्यूटेशन प्रकार के लव बर्ड आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी एवियारी है, अहमद एंसंस एवियारी का है ये। माशाल्लाह से भाई बहुत खूबसूरत, और जरा ये तो दिखाएं भाई, अवार्ड की तो लाइन लगी है भाई बस से। सामने ही दिखाएं भाई, तो भाई मुमताज़ भाई का सेटअप है, काफ़ी मशहूर नाम है, नॉन पर्सनैलिटी है लव बर्ड की दुनिया में। तो चले आए चलते हैं और सेटअप दिखाते हैं और मुमताज़ भाई से मिलते हैं। आ जाए, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आप मेरे गरीब खाने में तशरीफ लाए और मुझे इज्जत दिया। और मैं यहाँ आया, मैं तो लव बर्ड देखते रहिए भाई, इतनी खूबसूरत लोकेशन है आपके पास माशाल्लाह से भाई। और सेटअप सबसे अच्छा लगा मुझे भाई कि आपने इतना मेंटेन किया है सेटअप, इनके लिए पंखा भी लगाया हुआ है, लाइट की रोशनी का भी इंतजाम किया हुआ है। मैं लबर्ट में ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन 2007 से मैं हूँ माशाल्लाह। और मेरा दो सेटअप है, एक इंडोर है एक आउटडोर है। आउटडोर में मेरा एसी ऑन है, अभी मेरे थोड़ा देर पहले एसी ऑफ करके आया हूँ क्योंकि इस वक्त गर्मियाँ काफ़ी है, बिल्कुल बहुत गर्म। बर्ड को संभालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप देख भी रहे होंगे मेरा और सारे बर्ड इस वक्त हैप्पी हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त जो टेम्परेचर है 36 से लेके 38-39 तक, अगर आपको अंदर अभी 32-33 में आपको मिलेगा टेम्परेचर दिखाई होगा, तो इस तरीके से मैं मैनेज करता हूँ। ये मेरा इंडोर सेटअप है, उसके साथ साथ मैंने एक मिस फैन लगाया हुआ ताकि थोड़ा सा इसमें जब हीट स्ट्रोक बढ़ता है तो इसको मैं मिस को ऑन कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा बर्ड अच्छा और चील फील करे। अच्छा मुताबिक जरा न्यू फैंसियर जैसे ना उनको थोड़ा सा बता दीजिएगा और म्यूटेशन बताइए कौन कौन से म्यूटेशन है ये। सर देखिए अलहमदिल्ला मैं जो काम करता हूँ बेसिकली न्यूट्रिशन के ऊपर काम करता हूँ, ठीक है। और मैंने तकरीबन 2016-2017 से म्यूट्रिशन के ऊपर काम किया, तो मेरे पास इस वक्त पाकिस्तान का वो हर म्यूट्रिशन मौजूद है जो लोग को देखा तक भी नहीं है। अच्छा, तो अलहमदिल्ला मैं कोशिश करता हूँ अपने अपने आप को हर पल अपग्रेड करूँ, ठीक है। और मैंने बेसिक से काम किया, जो मेरी पहचान है वो ग्रीन पिक्चर है, इसलिए आप देख दे रहे होंगे हर तरफ आपको ग्रीन नजर आ रहा होगा। हाँ, आप यहाँ देखें ग्रीन नजर आ रहा होगा, ठीक है। और अब जहाँ भी जिस केज में देखें आपको ग्रीन जरूर मिलेगा, ठीक है। ये सारी म्यूटेशन, ये सारे बर्ड्स मैंने ग्रीन से ही बनाया, ठीक है। तो ग्रीन बर्ड की अहमियत अगर इंसान समझ जाए ना तो हमेशा क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहेगा। ठीक, तो सर आप जो भी चाहें इंशाल्लाह ताला मैं दिखाने के लिए दिखा भी दूंगा, और उससे पहले कुछ आपसे गुफ्तगू भी हो जाएगी कि आपने जैसे एक सवाल किया न्यू फैंसियर इस वक्त लबर्ड से थोड़ा सा दिल डिसअपॉइंटेड है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है या ऐसी, तो लोग सोच भी रहे हैं कि लबर्ड या नहीं आए। तो सर देखें ये मैं आपको बताऊँ, ये हर साल कुछ ना कुछ एक गेम एक माफिया जो खेल रहे होते हैं, अगर अल्हम्दुलिल्लाह वो तो इज्जू मंतचा वो तो जिल्लू मंतचा। इस वक्त वर्ल्ड वाइज लबर्ड की जो डिमांड है वो हम वेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी वक्ती तौर पर पिछले 2 महीने से 3 महीने से जो एक क्राइसिस चल रही है, तो उसका मेन रीज़न, उसकी जो मेन रीज़न है अभी इस वक्त जो गर्मी की जो कंडीशन है मार्केट के अंदर, वो आपको भी पता है कि बहुत सारे शेडों के अंदर ये कंप्लेन आया है कि बर्ड मरा भी है, बर्ड के अंदर बीमारियां गर्मी में आ जाए, जिसमें पॉक्स की बीमारी आती है, आई इन्फेक्शन आती है, डिफरेंट बीमारीज आ जाती है। तो उस वजह से लोगों के अंदर एक पैनिक पीरियड हुआ, गया बर्ड सेलिंग नहीं हो रहा, बर्ड सेलिंग नहीं हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मेरा ऑन द रिकॉर्ड कैमरा में मौजूद है, आप सिर्फ और सिर्फ अगस्त का वेट कर लें, ठीक है। आज जो चीज़ आपको 10,000 का चीज़ है वही चीज़ आपका 20,000 में नहीं गया, तो आप मुझे बताइए। अभी आप एक्चुअल भी रुकी जी, एक्सपोर्ट भी रुकी थी। दूसरी बात ये कि अभी जो है ना गर्मी के ऊपर ना हर ब्रोकर हर ट्रेडर हर इंसान वो कैश कर रहा अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल मुझे पैसे की नीड है, मुझे ज़रूरत है, अभी बकरीद गुजरा, अभी रमजान गुजरा, तो इस वक्त हर बंदे की अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत होती है। जब हम मार्केट में एक बर्ड सेल करते हैं एक प्राइस है 5,000 रुपये का, तो कुछ लोग उसको नाजायज फायदा उठाने के लिए 1,000 2,000 1,500 इस तरीके से रेट लगाते हैं।
मगर जब वही डिमांड में होगा ना 5000 वाला बर्ड आपको 7000 6000 8000 में आपको नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। तो जितने भी न्यू फैंसर है घबराने वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला लबर्ड है और लबर्ड रहेगा। और मजीद इसके अंदर जब इस लबर्ड के अंदर ना मजीद न्यूट्रिशन जितने आते रहेगी ना वो कभी डाउनफॉल का शिकार नहीं होगा। अभी ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन मार्केट के अंदर आ जाए तो आपको अगर मैं नाम बताऊंगा तो आप बोलेंगे यार ये बर्ड है, ये बर्ड कैसा है, ये बर्ड की क्या आइडेंटिफिकेशन है। पहले हम नॉलेज गेन नहीं करते हैं, इंसान को ना सबसे पहले अपने आप को एजुकेट होने पड़ता है। अब हम किसी भी एक बर्ड को पेयरिंग कर रहे हैं या ब्रीड करवा रहे हैं, एक्चुअल उसका हमें स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी का नहीं पता होता है। हमें ये नहीं पता होता है कि वो कौन सा जीन कैरियर है, हम उसको ये नहीं समझते कि आगे हम उसको फर्दर किस म्यूटेशन के अंदर स्विच कर सकते हैं। तो इन चीजों से सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है ना न्यू फैंसर के लिए वो आए फील्ड के अंदर और सबसे इनिशियल चीज से स्टार्ट करे, ग्रीन फीचर से स्टार्ट करे, उसके बाद वो चाहे डेंटल हो, जेलो पे, जेलो पे डेंटल हो, कहीं भी चले जाए, मगर सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करें। एजुकेट करेंगे तो आप इसमें आप कभी लॉस नहीं होगा। तो चले आए मुताबे जरा बर्ड्स की तरफ चलते हैं। ये कौन सा पेयर है माशाल्लाह भाई? सर ये मेरा एक पेंसलो ऑफलाइन की वर्किंग बर्ड है, ठीक है। उसके अंदर एक पेंसलो का आपको बर्ड नजर आ रहा है, ये पार्बलू ऑफलाइन पेंसलो है, उसके साथ सेलेटी मुस्की ऑफलाइन है जो स्प्रेड पेंसलो है, ठीक है। अच्छा मैं सेलेटी को ज्यादा प्रिफेयर करता हूँ पेंसलो के अंदर या वाइल्ड ग्रीन बर्ड को ज्यादा प्रिफेयर करता हूँ, ताकि आपके जो अगला बच्चा जो है ना वो ज्यादा डार्क कलर के अंदर आए, जो स्मूथ बॉडी कलर क्या है तो वो देखने में भी खूबसूरत लगता है और उसको इजी टू सेल भी हो जाता है। अब एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी आपके सामने ब्लू कलर का पेल कलर बैठा हुआ, अच्छा, और उसकी आंखें देखे रेड है, स्मूथ बॉडी कलर देखे, उसका कलर देखे, उसका स्टांस देखे, उसकी शॉर्ट बिप देखे, उससे बैठने का अंदाज देखे, जस्ट लाइक एक बिल्डर होता है ना जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा होता है उस तरीके से बैठा हुआ। तब क्यों अगर यही बर्ड मैं कहीं मैं डिस्प्ले करूंगा तो मेरा लोग कहते हैं ना खूबसूरत बर्ड है, अच्छा बर्ड है, क्वालिटी बर्ड है, वो इजिली फेल हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। और एक वाला पेयर कौन सा? ये यहाँ पर मेरा अक्वा डंकलो की वर्किंग का बर्ड है माशाल्लाह से, इसने मुझे लास्ट ईयर बहुत सुपर डुपर क्लास बर्ड दिया। आप ये जो बर्ड देख रहे हैं ना दैट्स कॉल्ड अक्वा B2 ऑफलाइन, ठीक है। वो बहुत जब मैं 2022 से इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, ये उस वक्त जब आया था मार्केट में 10 लाख रुपए का एक बर्ड था, आज इसकी मार्केट प्राइस 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए में, ठीक है। अभी मैंने मेरी एक ख्वाहिश होती है कि मैं उस बर्ड के ऊपर वर्किंग करूँ जो नया हो, जो रेल हो पाकिस्तान के अंदर, और मैं उसको लोकली ब्रीड करा के न्यू फैंसर को या जितने भी नए हजरात हो उनको मैं दे सकूँ। इसके साथ मैंने ग्रीन डंकल ऑफलाइन जो B2 लगाया, ठीक है। इसके पास मेरी जितने भी ऑफस्प्रिंग आए आई मैं इसके ऑफस्प्रिंग दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इस पेयर के इसके बच्चे देखें, ये सामने बैठे हैं, ये ये इसके बच्चे की क्लास देखें, इस बच्चे की क्वालिटी देखें। ये मैं इस वक्त जो वर्किंग कर रहा हूँ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में शादी नादिर इवन दो कि पूरे कराची के अंदर इस वक्त इसने किसी ने ये पेयरिंग नहीं किया। इसके अंदर अक्वा ऑफलाइन स्प्लिट डंकलों का पेयर है जो मैं प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, मैं आपको वो भी बता दूँ, अक्वा डंकलो होमोसाकेट। आप बोलेंगे इतनी लंबी थोड़ी नाम और इसकी आइडेंटिफिकेशन, तो ये बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है। होमोसाकेट एक अलग फैक्टर है, अक्वा एक अलग फैक्टर है, तो इन चीजों से थोड़ा सा अपने आपको पहले आप नॉलेज गेन करेंगे, जेनेटिक्स को समझना पड़ेगा, जीनोटाइप में क्या बर्ड है, फीनोटाइप क्या है, उसको हम किस तरह पेयरिंग करें, आगे फ्यूचर हम इससे क्या बना सकते हैं। अब येलो पेज ऑफलाइन डंकलो मैं आपसे अभी इस वक्त 15 लाख रुपए का एक दाना लेने के लिए तैयार हूँ, है आपके पास? 15 लाख रुपए का ऑफर दे रहा हूँ मैं आपको, येलो पेज ऑफलाइन डन कर लो आप मुझे दे दें। इस वक्त चैलेंज करता हूँ पूरे पाकिस्तान में लोकल एक भी बर्ड नहीं है, एक भी बर्ड नहीं है। अच्छा इस वक्त इंडोनेशिया के अंदर अगर आप गूगल करेंगे पाकिस्तान में इंपोर्ट करा के आपको 22 लाख से 25 लाख का पड़ेगा। हम वो बर्ड खुद भी बना सकते हैं आपके पास अगर नॉलेज हो, आपके पास कॉमन सेंस हो, आप सस्ते से महंगा खुद प्रोड्यूस करें। आए मैं आपको उस पेयरिंग की वर्किंग दिखाता हूँ, वो ये बर्ड है। अब ये जो बर्ड आपको येलो पेज ऑफलाइन नजर आ रहा है, ये जो सामने नजर आ रहा है इस वक्त ये नया बर्ड है, इसी की आंख में लाल कर दो तो इसकी खूबसूरती क्या हो जाएगी? बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके साथ जो मैंने पेयरिंग बर्ड किया है ना वो ग्रीन ऑफलाइन डन कर लो, आप उसकी क्वालिटी देखें, उसकी आंखें लाल है और जबकि दूसरा बर्ड है वो ब्लैक आइज के अंदर है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वर्किंग बर्ड है, होपफुली इंशाल्लाह इससे मैं प्रोड्यूस करता हूँ। माशाल्लाह इस तरीके से मैं अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ। अच्छा मैं देखा था एक पेयर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था,
येलो कलर में ना, ये वाला सर, ये येलो पेज ऑफलाइन है। अच्छा, ये मेरा इंडोनेशिया में जब लास्ट सन 2022 के अंदर जो एक चैंपियनशिप हुआ था उसमें से ये एक बर्ड उसका बेस्टिंग शो हुआ था। तो ये बर्ड मैंने वहाँ से परचेज किया था, अपने दोस्त से मैंने मंगवाया था, और माशाल्लाह से इसकी क्वालिटी, इसके स्टांस बहुत क्राफ्ट है, और अभी ये इस वक्त हॉट ट्रेंडिंग और रेल मोटेशन है येलो पेज ऑफलाइन। ठीक है भाई, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बर्ड है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इनमें साइज काफी अच्छे, जंबो साइज दिख रहे लंबा, क्या बताए उसको किस तरह से इंप्रूव करते हैं लोग, ये बच्चा ये बर्ड मेरा बच्चा माशाल्लाह। अब ये ग्रीन फीचर मेरा भी 2023 रिंग बर्ड है, जिसमें एटीपी रिंग बर्ड है और एलएसपी रिंग बर्ड है। अच्छा, इसका साइज भी काफी अच्छा सर। आप ये देखें, ये कौन सा कहलाएगा, ये टर्कवाइज पार्क दूंगा माशाल्लाह। ठीक है, और उसके साथ ये ऊपर डन फलोज है, डन फलोज के साइज चेक है, ग्रीन डन फलो प्लाइन माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, मेरे पास जितने ओवरऑल आते हैं, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने एक बॉक्स में डाल के आपको दिखा दिया ना। आए सर, कैमरा घुमाए, इधर चेक करें आप इसकी साइज चेक करें माशाल्लाह। असल बात जो एक लाइन फैक्टर होता है ना और एक क्वालिटी, तो वो हमेशा नजर आ जाता है, उसको बनाने पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने भी बर्ड है ना, तकरीबन ऑलमोस्ट यूरोपियन ब्लड लाइन है। अब यहाँ भी देख सकते हैं वो पार ब्लूज बैठा, वो उसकी साइज चेक। ठीक है, इसी तरीके से ये प्योर वाइल्ड ग्रीन फीचर का बच्चा बैठा, वो पीछे वो प्योर ग्रीन है, वो किसी का स्प्लिट नहीं है, वो बच्चा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन, क्योंकि वो जो ग्रीन है मुझे पता वो किस लाइन का बच्चा है, वो क्या आगे भला बनने वाला है, वो बोलते हैं ना आखिरी भला, इंशाल्लाह ये वो बनेगा माशाल्लाह भाई। आए, अब आपको मर्जी दिखाते रहता हूँ, यहाँ पर भी आपका सारा फाइट आप पूरा कर देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये इसकी साइज चेक करें, स्थान चेक करें, ये प्योर पिछड़ी की पहचान होती है। मैंने एक एक बर्ड जो ना बाहर से इंपोर्ट करवाया, उसको अपने पास लोकली ब्रीड कराया, उसको मैंने क्रॉस ब्रीड कराया, फिर जाके मेरा एक लाइन बन गया। मैंने बीच के ऊपर काम किया, शॉर्ट बीच के ऊपर काम किया, स्टांप के ऊपर काम किया, उसके बैठने का अंदाज देखा, इधर आ जाए सारे बच्चे के साथ देखा। ये देखें, इसमें सारे बच्चे भी हैं, माँ भी है, आपको पता नहीं चला कि माँ बच्चा माँ बाप कौन है इसके अंदर। जी जी, क्योंकि मैं अपने बर्ड से सिर्फ दो कलर लेता हूँ सीजन में, सीजन में पूरे सीजन में मैंने दो कलर लिया है। और आपने देखा होगा कि अभी बॉक्स से सारे उतरे हैं, सिवाय एक दो बर्ड में जिसमें एक दो बच्चे हैं, तो वो अब ये देखें यहाँ भी ग्रीन टीचर बैठा हुआ है, देखो उसके साथ देखें बिल्कुल, ये ग्रीन टीचर के अंदर देखें, ये देखिए जस्ट सेल्फ बेबी है, ये जस्ट सेल्फ बेबी है, इसके माँ बाप भी इसके अंदर मौजूद है। किस तरफ किया, ये सेल्फ है, ये अभी सेल्फ बेबी है, अभी रिसेंटली ये सेल्फ है, मगर इसकी क्वालिटी, इसकी साइज, इसके हुड देखें, क्रिस्टल वाइट हुड के अंदर मौजूद है, ये फेदर मार्किंग इसकी चेक करें, इसके साइज चेक करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो पेयरिंग करता हूँ ना, पेयरिंग करना एक आर्ट है। ठीक है, जब तक आप पेयरिंग को समझ के आपको पेयरिंग नहीं बनाएंगे तो आप इस फील्ड में कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने भी बहुत पीछे को सीखा है। यहाँ देखें, यहाँ भी सारे मेरे बच्चे हैं, ये सारे, ये सारे बच्चे हैं माशाल्लाह। अब इन सबों का साइज चेक करें, जो कुछ बर्ड मुझे पेयरिंग करना होता है, जो मुझे रखना होता है इन फ्यूचर के लिए, तो वो मैं अपने आप को रख रहा होता हूँ। अच्छा, एक चीज हम देखते हैं, वो जो न्यू कैंसर होते हैं वो एक साथ रखते तो लड़ते हैं, और से किसी की जेंट भी होती है, इधर मैं देख रहा हूँ काफी सारे आपने एक साथ रखे हैं। हाँ, उसकी एक वजह है, मैं सबसे पहले उन बर्डों को एक साथ सेपरेट करता हूँ जिसकी उम्र सिमिलर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये केज खाली है, अब मुझे इसमें उन बर्डों का इंतखाब करूंगा, दो बर्ड इधर से, तीन बर्ड इधर से, चार बर्ड इधर से, पांच, जो सिमिलर एज से हो उनको मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा। ठीक है, उन सबों के लिए नया केज है, तो आपस में लड़ेंगे नहीं, यूज टू हो जाएंगे, एक हफ्ता डेढ़ हफ्ते के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। अब इसी केज के अंदर कोई अगर मैं दूसरा बर्ड डालूंगा तो आपस में लड़ेगा, आपस में वो फाइट करेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर एक फ्लाइंग केज है छोटा सा मेरा, आप देखें, ये मेरे सारे पहले कलेक्शन के बच्चे हैं, इसमें से मोस्टली ऑफ बर्ड कलरफुल बर्ड, इसमें से मोस्टली ऑफ बर्ड मेरे ना विन किए हैं बेबी शो के अंदर। अब उनमें मैं कोई दूसरा बर्ड डालूंगा ना, वो आपस में लड़ेंगे। अच्छा, तो इनके लिए ये सेपरेट कॉलोनीज है, इसमें से मोस्टली ऑफ बर्ड मेरे शोज में जाएंगे। तो ये मेरी शोज की सिलेक्शन होती है जो मैं खुद पहले से कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर भी आ जाए,
ये कैटेगरीज अलग था, ये पहले क्लच का था, ये सेकंड क्लच है। यहाँ भी देखे सब आपस में कोई लड़ रहे नहीं, नीचे नीचे वाले। तो जब आप बर्ड को ना एक साथ बैलेंसिंग करेंगे ना तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ देखो लाइव स्टॉक है, प्रॉब्लम तो आता है, बर्ड मरता भी है, आपस में लड़ के मर जाते हैं, फाइटिंग करके मर जाते हैं, मतलब यही चीज आपको सीखना होता है। जब आप ये चीज सीख जाएंगे तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे।